हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बेटे के बाद नेताजी ने भी बंगला बचाने के लिए वही तिकड़म लगा दी। पहले खबर थी कि मुलायम बंगला खाली करने के लिए नया घर खोज रहे हैं। अब पता चला है कि मुलायम ने भी अखिलेश की तरह चिट्ठी लिख डाली और बंगला खाली करने के लिए 2 साल का वक्त मांगा है। आखिर ये 2 साल का वक्त रहने के लिए मांगा गया है या बंगला खाली करने के लिए? बाप बेटे का बंगला बचाने का प्लान। अखिलेश की राह पर चले मुलायम सिंह यादव, बंगला खाली करने में लगेंगे 2 साल। 2 साल बंगला खाली करने के लिए या रहने के लिए? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुरोध पर अभी राज्य संपत्ति विभाग विचार ही कर रहा था कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपना बंगला खाली करने के लिए 2 साल का वक्त मांग लिया है। मुलायम सिंह यादव ने इस आशय का पत्र अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य संपत्ति विभाग को भिजवा दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने की कवायद में जुटा है। विभाग की तरफ से सबको 15 दिन के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह की तरफ से बंगला खाली कराए जाने की सहमति मिल गई है, लेकिन बाकी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। असल में अखिलेश यादव ने अपना सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग से 2 वर्ष का समय मांगा था। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने लिए राजधानी में कोई घर नहीं बनाया है, वो अपने लिए और नेताजी दोनों के लिए घर खोज रहे हैं, मगर उन्हें किराए का मकान मिल जाता है तो वो घर खाली कर देंगे। साथ ही उन्होंने 2 साल का वक्त भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।